प्यारे बच्चों, आप हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए वो कौन से 3 R हैं इंग्लिश के, जिसका इस्तेमाल करके आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सबसे पहले हम यही करवा रहे हैं, रिड्यूस। कौन से 3 R हैं जिनका प्रयोग, इंग्लिश के कौन से 3 R हैं जिनका प्रयोग करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। आप इनको समझिए, मैं हिंदी लिख देता हूं, कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। होता क्या है जानिए आप इनको। पहले आप कम उपयोग देखिए, जो चीजें गलती सड़ती नहीं है ना, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनका कम से कम उपयोग कीजिए, क्लियर है ना। या जो भी पदार्थ जल्दी खत्म होने वाले हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, जल है, इनका भी कम से कम उपयोग कीजिए, तो उसे हम बोलते हैं कम उपयोग। रिसाइकल क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे प्लास्टिक है या धातुएं हैं, लोहा जो है, तांबा है, चांदी, जो भी है, इनको आप रिसाइकल करने के लिए यानी पुनर्चक्रण करने के लिए आप कारखाने में दे दीजिए। जो कबाड़ी का काम करते हैं वो इनको लेकर के जाते हैं और इनसे नई चीजें बनाते हैं। इनको फेंकने की बजाय इनका क्या कीजिए, रिसाइकल कीजिए, पुनर्चक्रण कीजिए। और तीसरी चीज है रीयूज। रीयूज क्या होता है, जैसे हमारे घर में हम कोई अचार का डिब्बा ले आए तो हम उसको क्या करते हैं, अचार खत्म तो डिब्बा फेंक देते हैं। ऐसी चीजों को फेंकिए मत, उसको किसी और काम में लीजिए। अगर इसी प्रकार फेंकते गए तो कचरे का ढेर लग जाएगा। पेन का सिक्का खत्म हुआ तो रिफिल डालिए, ना कि पेन को फेंकिए, तो उसे हम बोलते हैं पुनः उपयोग यानी रीयूज, क्लियर है ना। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेक होल्डर, किसे कहते हैं इस चैप्टर का स्टेक होल्डर, तो नोट कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं और जंगलों पर ही निर्भर हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। वनों में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए वनों पर ही निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरकार का वन विभाग पूरी तरह से वनों पर निर्भर है, उद्योगपति हैं, या जो वन्य प्रेमी हैं, जो जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, वो सारे के सारे उदाहरण हैं स्टेक होल्डर के, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अमृता देवी बिश्नोई कौन थी, उस पर नोट लिखें। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं, ये कहानी 1731 की है। 1731 में क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजराली गांव में खेजरी वृक्ष थे, कौन से वृक्ष थे, खेजरी वृक्ष, उनको काटने का ऑर्डर दिया कि आप जाइए और इनको काट के लेके आइए। तो उस दौरान अमृता देवी बिश्नोई ने इसको प्रोटेक्ट किया, यानी कि ठेकेदारों को वनों को काटने से रोका। तो लेकिन ठेकेदार नहीं माने, अंग्रेजी सरकार उस समय बहुत निर्दयी थी, हमेशा ही थी वैसे तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि आपको किसी भी हाल में जंगलों को काट करके लाना है। तो लेकिन अमृता देवी बिश्नोई भी मानने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और भारत सरकार आज भी जो पेड़ों को बचाने का कार्य करते हैं उन्हें अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार देकर के सम्मानित करती है। तो ये अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों को बचाने के लिए जानी गई है। एक घटना मैंने आपको बता दी, तो इस प्रकार आप इसके ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है चिपको आंदोलन, किसे कहते हैं। ये बात है 1970 की, चिपको आंदोलन। हालांकि अमृता देवी बिश्नोई भी पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, लेकिन चिपको आंदोलन जो घटना है वो है हिमाचल के गढ़वाल जिले के रैनी नामक गांव की। मैं यहां पर तीनों चीज लिख रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल जिला और रैनी गांव में। यहां पर भी ऐसे ही हुआ, लेकिन ये बात आजादी के बाद की है। 1970 ईस्वी में भारत सरकार ने ऑर्डर दिया कि आप जाइए और पेड़ों को काट के लेके आइए। तो उस समय जब ठेकेदार पेड़ काटने के लिए आए तो उस गांव में कोई भी पुरुष नहीं था, तो महिलाएं
पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने कहा कि अगर आपने पेड़ों को काटना है तो पहले आपको हमारी जान लेनी होगी। तो ठेकेदारों को झुकना पड़ा और वो पेड़ कटने से बच गई और इस आंदोलन को नाम दिया गया है चिपको आंदोलन। क्लियर है बात। उसके बाद है बांध बनाने के क्या लाभ और हानियां हैं। बांध बनाने के क्या लाभ और हानियां हैं, क्या लाभ और हानियां हैं? तो पहले प्यारे बच्चों लाभ देख लेते हैं। एक तो विद्युत उत्पन्न होती है बांध से। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत। आज भाखड़ा नंगल डैम के कारण हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश को बिजली मिल रही है। दूसरा है नहरें बनती हैं और जब से नहरें निकली हैं सिंचाई के साधन बढ़े हैं तो पैदावार बढ़ी है, अन्नदाता ने अधिक अन्न उगाया है। तीसरी चीज जो उत्पन्न होती है जहां पर बांध बनता है वहां पर मत्स्य पालन यानी मछली पालन भी किया जाता है, तो इस प्रकार वहां पर मछली पालन के द्वारा भी इनकम की जाती है। अब हानियों की बात करें तो सबसे पहला तो अगर हम बात करें आर्थिक समस्या, बांध बनाने में ना पैसा बहुत ज्यादा लगता है, पूरे देश का वित्तीय बजट गड़बड़ा जाता है जब बांध बनाया जाता है, तो बहुत अधिक धन की हानि होती है। दूसरा पर्यावरण समस्याएं, जब भी बांध बनाया जाता है तो वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं बहुत अधिक मात्रा के अंदर। बांध बनाने के समय जब सीमेंट बजरी उठाई इधर उधर से पटकी जाती है तो पर्यावरण दूषित होता है। और तीसरी जो है सामाजिक समस्याएं, जहां भी बांध बनता है तो हजारों किलोमीटर का जो एरिया होता है वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको बेघर होना पड़ता है, तो ये सामाजिक समस्याएं भी वहां पर आती हैं। तो ये तीन प्रकार की समस्याएं हैं, आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक। तो लोगों को घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि उस जगह पर बांध बना दिया जाता है, तो एक सामाजिक समस्याएं भी बांध बनाने से जुड़ी हुई हैं। अब जल क्यों इंपॉर्टेंट है? प्यारे बच्चों जल के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, और आज के दिन अगर मैं कहूं तो पीने योग्य जल 1% से भी कम बचा है, उसमें से भी कुछ परसेंट जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों जल हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो अलग अलग स्टेट्स ने जल बचाने के अलग अलग पात्र बनाए हुए हैं। जैसे वर्षा का जल आता है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान में खादीन है, केरल में सुरंगम है, किसी में बंध्यारस है, ठीक है ना, तो अलग अलग कर्नाटक में कट्टा है, तो अलग अलग पात्र बनाए हुए हैं जिनके नाम मैंने अलग अलग कहे, उसमें वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं। या आपने नोट कर रहे ना प्यारे बच्चों बुक में से कि कौन कौन से पात्र अलग अलग स्टेट्स में बनाए गए हैं जहां पर जल को इकट्ठा किया जाता है वर्षा के टाइम में और बाद में उस जल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन, तो आपको ये तो आपने 6th class से पढ़ना स्टार्ट किया होगा कि जो भूमि की ऊपरी परत है वो काफी उपजाऊ होती है, अगर वो जल के द्वारा या वायु के द्वारा कट करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाए तो उसे हम बोलते हैं मृदा अपरदन। इसको रोक कैसे सकते हैं? पेड़ पौधे लगा करके, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, तो मृदा अपरदन नहीं होता। घास लगा करके, और तीसरा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा मृदा अपरदन होता है, तो वहां पर जो खेत है वो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वहां पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्लियर है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों कोयला कैसे बना और पेट्रोलियम कैसे बना, ये आपको पता ही है। कोयला कैसे बना, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे थे वो भूमि के नीचे दब गए और लगातार दबने के कारण, प्रेशर पड़ने के कारण काफी लंबे समय के बाद वो कोयले में बदल गए। इसी प्रकार समुद्री जीव जब भूमि के नीचे दबे थे तो वो किसमें परिवर्तित हो गए? पेट्रोलियम में। क्लियर है ना। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।